Hello, good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. हेलो गाइस, वेलकम टू वाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाई फाई स्टडी पे. नाउ वाई फाई स्टडी हैज बिकम द पार्ट ऑफ अन अकेडमी. मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, आपके अंदर चुप हो जाओ तुम पहले तो. हाँ, हो गया तुम्हारा. चलो, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, तो बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना. 12 बजे वाली जो क्लास है उसने यही साबित किया है. आज एमटीएस का एग्जाम हुआ था, 12 बजे वाली क्लास से कम से कम 8 से 9 क्वेश्चंस एमटीएस के एग्जाम में आए थे. नेशनल पार्क वाला क्वेश्चन था, जलियांवाला बाग वाला कल क्वेश्चन मैंने कराया था, वो पूछा था. गवर्नर जनरल कौन था, वायसराय कौन था, वो क्वेश्चन था. आपका एयरपोर्ट से क्वेश्चन था. कुल मिला के 7 से 8 क्वेश्चन मेरे को मिले हैं. तो मैं फिर से बोलता हूँ, ये क्लास इंपॉर्टेंट है. संदीप सर का जी का खजाना भूलना जाना रात को डेली 12 बजे होती है. बिल्कुल देरी नहीं करते, सीधे मुद्दे पे आते हैं. आज का मुद्दा क्या है, चलिए. सबसे पहले आएगा क्या आपका, सबसे पहले आएगा आपका कमेंट्स ऑफ द डे. तो सर कमेंट निकाली आपने, चलिए कमेंट लगाइए सर. बहुत ही प्यारे प्यारे 3 कमेंट्स आपके स्क्रीन में आएंगे, 2-3 जितने भी होंगे लगाइएगा. ये देखिए, एक कमेंट ये है, दूसरा कमेंट आपके स्क्रीन में ये है. चलिए, 2 प्यारे प्यारे कमेंट्स आपके स्क्रीन में आ चुके हैं. मैं फिर से बोलता हूँ, अगर इस क्लास से कोई मोटिवेशन मिल रहा है, कुछ बदलाव आ रहे हैं, तो लिखा करिए. लिखना चाहिए, तारीफ भी करना चाहिए और अपनी कमियों को भी देखना चाहिए. दोनों चीज़ लिखिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए. अगर आपका मन करता है तो बिल्कुल लिखिए, ठीक है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को. किस एग्जाम की क्लास है आपको मालूम, मेरी एक क्लास होती है शाम को 6 बजे, एक क्लास होती है शाम को 6 बजे और एक क्लास होती है रात को 12 बजे. ये दोनों क्लासेस सारे बच्चों को देखना है, चाहे रेलवे वाला हो चाहे एसएससी वाला हो, सारे बच्चों को देखना है दोनों क्लास. कहने के लिए 6 बजे वाली क्लास एमटीएस की होती है, एसएससी की होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्लास, ठीक है. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा. चलिए, आज का मुद्दा हमारा टॉपिक क्या है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, सबसे पहले करेंगे हम डे ऑफ द डे. आपको मालूम है सबसे पहले हम डे ऑफ द डे करते हैं. देखिए साहब, आज कौन सा डे है सर, स्विच कर दीजिएगा. चलिए, स्विच हो चुका है, तो स्टार्ट करते हैं अपन, है ना. आज है डे ऑफ द डे में संस्कृत दिवस है आज का दिन. आज कौन सा है, संस्कृत दिवस है. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संस्कृत को बहुत प्रोत्साहन मिलता है और संस्कृत के बारे में इंपॉर्टेंट चीजें 3-4-5 साल लिखी है, इसको पढ़ लीजिएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट देखेगा, दादर नगर हवेली मुक्ति दिवस आज के दिन है, इंपॉर्टेंट है. और यहाँ से दादर नगर हवेली से क्वेश्चन नहीं, लेकिन आज अंडमान से क्वेश्चन पूछ लिया था कि अंडमान कैपिटल कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखेगा, अगला देखेगा 1876 पिंगली वेंकैया, आज के दिन पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है पिंगली वेंकैया, इन्होंने हमारे तिरंगे झंडे का डिजाइन तैयार किया था. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है पिंगली वेंकैया के बारे में, ठीक है. आगे चलते हैं, देखेगा 1858 में द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. 1857 का विद्रोह होने के बाद, आपको मालूम है 1857 बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, उसके बाद में 1858 में आज के ही दिन ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था, ठीक है. चलिए तो ये तो हो गया हमारा डे ऑफ द डे. और एक और है कि ब्रिटिश सरकार ने 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित कर वर्मा और अदन को भारत से अलग किया था. कई बार एग्जाम में पूछता है कि वर्मा और अदन को भारत से कब अलग किया गया था, तो आपका 1935 में आज ही के दिन एक्ट करके वर्मा और अदन को भारत से अलग किया गया था. और एक नेक्स्ट लिखा है कि भारत के प्रसिद्ध उद्यमियों से एक जीपी बिरला का जन्म 1922 में आज के दिन ही हुआ था. तो ये हो गया हमारा डे ऑफ द डे. आज के दिन जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है. आज ये करेंगे कि सबसे पहले हम टॉपिक कर लेंगे और लास्ट में आपके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है. क्योंकि पीपीटी बनने में टाइम लग रहा था थोड़ा सा, तो ये मैंने स्टार्ट कर दिया था. पीपीटी बनकर जैसे ही आ जाएगी लास्ट में लगा दूंगा, ठीक है. चलिए, आज का हमारा मुद्दा क्या है, आज का हमारा मुद्दा है लेक. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और फिर से बोला हूँ कि वीडियो को लास्ट तक बने रहना है, A to Z वीडियो देखना है. जो एसएससी वाले बच्चे उस चीज को महसूस कर रहे होंगे, रेलवे वाले बच्चे ही महसूस कर लेंगे कि भाई साहब यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में. चलिए तो सबसे पहले लेक कौन सी आती है आपकी, देखेगा सबसे पहले लेक आती है आपकी डल लेक. वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी ट्रिक है मेरे पास में. यहां पर ट्रिक नहीं बताऊंगा, ट्रिक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा, क्योंकि दिक्कत क्या होती है कि यहां पर ट्रिक बताता हूं तो सब कुछ हॉस्पॉच हो जाता है, एक दूसरे से मिल जाता है, गड़बड़ी हो जाती है. यहां पर ट्रिक नहीं बताऊंगा, सीधे मुद्दे की बात करूंगा. डल लेक जो है कहां पर है आपके,
जम्मू कश्मीर में है, एक लेकर आती है वुलर, ये भी आपका कहां पे है, जम्मू कश्मीर में है। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, वेरी नाग लेक, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। जिन लेक के नाम के आगे नाग आता है, क्या आता है, नाग, वो सारी की सारी लेक कहां पर है आपके, जम्मू कश्मीर में है। तो एक डल हो गई, हालांकि उसमें नाग नहीं आता, डल और वुलर दो एक्सेप्शन है जिनमें नाग नहीं आता है, बाकी जो वेरी नाग लेक है जम्मू कश्मीर में है। एक आती है मानस लेक, ये भी आपका जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट आता है राजसमंद, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके कहां पे है, राजस्थान में है, राजसमंद लेक, राज्य से राजस्थान हो जाएगा और इस राज्य से हो जाएगा राजसमंद। नेक्स्ट चलेगा, देखेगा पिछौला लेक, पिछौला लेक क्या हुआ, नेक्स्ट देखेगा पिछौला लेक, ये भी राजस्थान में है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे चलते हैं सांभर लेक, ये भी राजस्थान में, फिर से बोलता हूं यहां पर ट्रिक नहीं कराऊंगा, यहां पर सिर्फ मेरा एक मकसद है आपको कंटेंट दे दूं, ट्रिक अलग से कराऊंगा, क्योंकि मैंने कुछ दिन ट्राई किया था कि इसी क्लास में चलते चलते ट्रिक करा दूं, लेकिन बच्चे बोले नहीं सर ट्रिक अलग से कराइए, साथ में कराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल रहा था, हॉटस्पॉट हो रहा था सब कुछ, ठीक है। चलिए आगे देखेगा सात ताल झील, ये आपकी कहां पे, उत्तराखंड में, याद रखना जिस भी लेक के नाम के आगे नाग आएगा वो जम्मू कश्मीर में होगी और जिसके आगे ताल आएगा वो आपकी उत्तराखंड में है। जैसे सात ताल लेक कहां पे है, उत्तराखंड में है। एक आती है नैनीताल, इसमें देखिए ताल है, ये भी आपका उत्तराखंड यूके में है। नेक्स्ट आता है आपका राकस ताल, ये भी आपका कहां पे है, उत्तराखंड में है। आगे आएगा माला ताल, ये भी कहां पे आपका, उत्तराखंड में, ठीक है। आसान है, सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है हुसैन सागर लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। और एक और चीज बताऊं कि वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में आ चुके हैं, मैं एक भी सिंपल ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाता जो एग्जाम में नहीं आया, जो इंपॉर्टेंट है वो कराएंगे, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है। हुसैन सागर लेक कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आता है पुलिकट लेक, ये कहां पे आपका, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन सीएचएसएल में आया था पुलिकट लेक के बारे में, ठीक है। आगे चलेगा लोकटक लेक, ये मणिपुर में है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर केवलम जाओ नेशनल पार्क है, कौन सा, केवलम जाओ नेशनल पार्क है, केवलम जाओ, और इसको फ्लोटिंग नेशनल पार्क या तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। आगे चलेगा देखेगा नागिन लेक, जो आपके कहां पे है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। नेक्स्ट शेषनाग लेक, मैंने बोला था जिस लेक के नाम के आगे नाग आएगा वो जम्मू कश्मीर में है और ताल आता है तो वो उत्तराखंड में होगी, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा अनंतनाग लेक, जम्मू कश्मीर में है, लास्ट में इसके नाग आ गया है, लाजमी सी बात है जम्मू कश्मीर में होगी। नेक्स्ट देखिएगा आपका लुन करनसर झील, कहां पे है आपका, राजस्थान में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार से याद करना, भूलना मत, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जैसमंद झील, ये कहां पे आपका, राजस्थान में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है फतेह सागर लेक, ये भी आपका राजस्थान में है। एक आता है डिंडवाना लेक, ये भी राजस्थान में है। फिर से बोलता हूं इन सब के ट्रिक अपने पास में है, लेकिन यहां पर ट्रिक नहीं करा रहा हूं, ट्रिक अलग से कराऊंगा लेक के, ठीक है। चलिए आगे चलेगा देवताल लेक, मैंने बोला था जिस लेक के लास्ट में ताल आएगा वो उत्तराखंड में होगी, देवताल कहां पे है, उत्तराखंड में है। एक आती है आपकी कौन सी, नौकुचिया ताल, ये भी आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आता है आपका कौन सा, खोरपा ताल, ये भी आपका उत्तराखंड में है। नेक्स्ट आती है कोलेरू झील, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। चलिए कोलेरू झील कहां पे है, आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं, आती है चिल्का झील, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, खारे पानी की, नमकीन पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ये आपका ओडिशा में है, ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, नवीन पटनायक साहब यहां के मुख्यमंत्री हैं। और पूछे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वुलर झील है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लोनार लेक, ये महाराष्ट्र में है, ऐसा कहते हैं कि जो उल्का पिंड गिरा था उससे एक गड्ढा हो गया था बहुत बड़ा और वहां पर पानी भर गया तो लोनार लेक कहा जाता है, कई बार पूछता है एग्जाम में, थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगली आती है बेम्बनाड लेक, केरल में है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जितने लेक मैं करा रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है, बिना इंपॉर्टेंट वाली चीज करा ही नहीं रहा हूं, ठीक है ना। चलिए आगे देखेगा अष्टमुड़ी लेक, ये भी केरल में है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी, अष्टमुड़ी लेक। नेक्स्ट देखेगा पेरियार लेक, पेरियार लेक कहां पे आपका, केरल में, पेरियार भी एक पेरियार नदी भी है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चले पेरियार लेक कहां पे आपका, केरल में है, ठीक है। चले साहब इतनी इंपॉर्टेंट लेक थी, सर स्विच हटा दीजिएगा पहले, हो गया। चले इतनी इंपॉर्टेंट लेक थी, मैंने आपको जो मैं पहले कराता हूं, सबसे पहले डे ऑफ द डे कराता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस कराता हूं, यस्टरडे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, वो क्वेश्चन, वो अपन कल कर लेंगे, क्योंकि आज पीपीटी बनकर रेडी हो नहीं पाई है, थोड़ा लेट हो रहा है, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। कल मैं थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास, लंबी क्लास हो जाएगी, चिंता मत कीजिएगा, जहां पर मैं यस्टरडे क्वेश्चन करा दूंगा, यस्टरडे के आंसर्स करा दूंगा, स्पेशल टॉपिक करा दूंगा और डेजर्ट ऑफ द डे करा दूंगा, चिंता मत करना,
वो मुझे याद है, याद कर दिलाने की जरूरत नहीं है, वो करा दूंगा। और फिर से बोलता हूँ, इस क्लास ने फिर आज साबित कर दिया है कि चाहे SSC हो चाहे रेलवे हो, SSC में हमने साबित कर दिया है, CHSL में क्वेश्चन आए थे, MTS में क्वेश्चन आ रहे हैं, कल आए थे, आज भी जब भी एग्जाम होगा आएंगे, यह वादा है मेरा। इस क्लास से बिल्कुल मिस नहीं करना है, वीडियो को खूब शेयर करना है, क्योंकि यह क्लास फ्रूटफुल हो रही है बच्चों के लिए जो बच्चे इस क्लास को देख रहे हैं। क्लियर? चलिए, तो अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को खूब शेयर करना है, और सिर्फ एक चीज करना है, वीडियो लाइक करो, शेयर करो और देखो। और इससे कोई क्वेश्चन है तो बाहर नहीं जाना चाहिए यार, ये अपना मन है। अगर अपन ने 18 जून 2018 को अपन ने संकल्प लिया, 18 जून 2019 को संकल्प लिया था कि भाई ऐसी क्लास स्टार्ट की जाए जहां से क्वेश्चन बाहर ना जाए जीके में, तो ये क्लास है, रात को 12 बजे वाली क्लास है। और ऐसा हो जाए कि पूरे यूट्यूब की दुनिया में बोले भाई एक क्लास चलती है 12 बजे, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, इतना भरोसा होना चाहिए। फिर से बोलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, वीडियो